और आइए आपको लिए चलते हैं पानीहाटी के अस्पताल में, जहां लगातार बारिश होने से पूरा अस्पताल परिसर पानी पानी हो गया है। सड़कों का हाल तो आपने देखा ही है, लेकिन अस्पताल परिसर में पानी भर जाने से मरीजों और डॉक्टरों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जी हां, ऐसे में लोगों ने प्रशासन पर ये सवाल उठाया है और ये बात कहा है कि इसकी जिम्मेदारी आखिर किसकी है। और आइए आपको लिए चलते हैं पानीहाटी के अस्पताल में, जहां लगातार बारिश होने से पूरा अस्पताल परिसर पानी पानी हो गया है। सड़कों का हाल तो आपने देखा ही है, लेकिन अस्पताल परिसर में पानी भर जाने से मरीजों और डॉक्टरों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जी हां, ऐसे में लोगों ने प्रशासन पर ये सवाल उठाया है और ये बात कहा है कि इसकी जिम्मेदारी आखिर किसकी है। জলের মধ্যে যাওয়া আসা করতে হচ্ছে, আমাদের জলের দাঁড়িয়ে থেকে ডিউটি করতে হচ্ছে, এটা তো একটা বিরাট সমস্যা। আর এটা তো প্রত্যেক বছরের একদিকে উঁচু করা হচ্ছে আর একদিকে জল এসে জমে গেছে। এই তো জলের মধ্যে দাঁড়িয়ে থেকে আমার পেশেন্টদের সার্ভিস দিতে হচ্ছে, পুরো এই রুম থেকে ও রুম ওয়ার্ডগুলো তো পুরো জলের মধ্যে ভেসে আছে। এখানে ড্রেনের যার ফলে এইটা উঁচু হয়েছিল, এটা জল জমতো না, কিন্তু এখন ওই দিকে উঁচু হয়েছে, তো সব জল এখন এইদিকে চলে আসছে। এটাই যদি আন্ডারগ্রাউন্ডে ড্রেন থাকতো তাহলে এই সমস্যা কিন্তু এই জলটা জমতো না, ড্রেন দিয়ে বেরিয়ে যেত প্রপার। এটা মানে সমাধান দরকার। সাপোর্ট ট্রুথ, সাপোর্ট আস, জিপে অ্যান্ড ফোন পে 9831060 6058 1।